हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको गुरुत्वाकर्षण बताने जा रहे हैं। इसके पहले हमने गुरुत्वाकर्षण की बेटा वीडियो डाल दी है, दो वीडियो, आप उसको देख लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं देखा हो। आज हम आपको ये गुरुत्वाकर्षण में क्या पढ़ाएंगे बेटा, प्ररोध तथा दाब। तो प्ररोध तथा दाब बताने से पहले फिर से हम आपको गुरुत्वाकर्षण एक बार बता देते हैं बेटा। ये गुरुत्वाकर्षण होता क्या है बेटा, किसी भी दो पिंड के बीच आकर्षण। इस पूरे ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी पिंडों के बीच में आपस में आकर्षण बल लग रहा है, ठीक है। जैसे कि सूरज है, चांद है, या पृथ्वी है, जितने भी पिंड है, या आपकी कुर्सी है, टेबल है, पेन है, हम है, या दो, जैसे एक लड़का है एक टेबल है, इन दोनों के बीच में भी एक आपका क्या है बेटा, पेन है, और उसके बाद दूसरा चेयर है, इनके बीच में भी, मतलब पूरे ब्रह्मांड में बोला है तो सूरज चांद सभी कुछ आ जाता है। तो पूरे ब्रह्मांड में किसी भी दो पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है बेटा। अब हम आपको बताएंगे बेटा प्ररोध तथा दाब किसे कहते हैं बेटा। तो दाब क्या होता है बेटा, दाब बराबर होता है बेटा बल बटे क्षेत्रफल। बल लिखिए या प्ररोध लिखिए, प्ररोध मतलब होता है लंबवत बल। किसी भी वस्तु पर जब बल लंबवत लगता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा, प्ररोध कहते हैं, ठीक है। तो दाब हमारा किससे मेजर होता है बेटा, लंबवत बल बटे क्षेत्रफल से। यानी कि एक एकांक क्षेत्रफल पर जितना बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, दाब कहते हैं। अब ये जो है एकांक जो क्षेत्रफल होता है, तो इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल जैसे जैसे बेटा अगर हम कम करेंगे, क्षेत्रफल को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो बल का मान क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल जैसे कम करेंगे तो दाब भी आपका क्या लगेगा बेटा, क्षेत्रफल कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, दाब ज्यादा लगेगा, और क्षेत्रफल ज्यादा कर देंगे तो दाब कम लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल ज्यादा चीज से डिवाइड कर देंगे आप बल को, तो दाब क्या हो जाएगा बेटा, आपका कम लगेगा। इसको देखिए ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे कि ये नाइफ है, ये क्या है बेटा, नाइफ है, चाकू है। तो ये चाकू में देखिए ये जो है इससे काटा जाता है, नीचे का सिरा देखिए बेटा, इससे जो है हम क्या करते हैं, सेब को काटते हैं, नींबू को काटते हैं। तो ये क्षेत्रफल जब क्या होता है, कम होता है, ये बहुत पतला जब होता है, नाइफ का क्या होता है, ये सिरा जब बहुत पतला होता है, मतलब जब ये क्षेत्रफल बहुत कम होता है, तब आप क्या करेंगे, तेजी से काट देंगे, मतलब दाब क्या उस पर ज्यादा लगेगा, सेब पे थोड़ा सा दबाव डालेंगे और क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, दाब क्या हो जाएगा, ज्यादा लगेगा दबाव। और अगर हम क्या करेंगे बेटा, ये जब आपका काटते काटते आप देखते होंगे ये सिरा जब मोटा हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, भुतरा सा हो जाता है, तो हम क्या देखते हैं, सेब को काटते हैं, नींबू को काटते हैं, तो काटने में क्या होता है, बहुत देर लगती है। तो इसका मतलब क्या है, क्षेत्रफल ज्यादा हो गया है उसका। तो जब हम क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो हमको बहुत दबाव लगाना पड़ता है नींबू को काटने के लिए, क्या करते हैं, बहुत तेजी से दबाते हैं, जब ये क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो बहुत ज्यादा दबाव लगाते हैं, दाब ज्यादा पड़ता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल ज्यादा होने पे क्या हो जाता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल जब हम कम करते हैं तो क्या हो जाता है बेटा, आपको कम दाब में ही काम हो जाता है। तो ये जो है अगर आपका मोटा हो जाए तो आप उसको घिसते हैं, घिस घिस के क्या करते हैं, पत्थर से घिस के उसको क्या करते हैं, पतला करते हैं, इसलिए कि क्या हो जाए, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। जैसे जैसे क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, जैसे जैसे क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा, ठीक है बेटा। अब आप इसको ऐसे भी मतलब समझ सकते हैं कि जैसे आप रेत में खड़े हैं, ठीक है ना, समुद्र में के पास जैसे रेत होता है, तो रेत पे अगर आप खड़े हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो है पैर जब रहता है आधार पे, पैर के बल आप खड़े रहते हैं, तो पैर का क्षेत्रफल बहुत कम है, तो आपका बहुत नीचे तक पैर धंस जाता है, मतलब क्या होता है, दाब ज्यादा लगाता है। जबकि आपका बल तो वही है, आपका वेट तो वही है, पर जब आप लेटते हैं समुद्र में, क्या करते हैं बेटा, जब आप समुद्र के पास जो रेत है, तो उस रेत में जब आप लेटते हैं तो आप देखते हैं कि आपका बॉडी का कोई भी पार्ट बहुत हल्का सा जो है रेत के नीचे जाता है जब आप लेटते हैं, जबकि बल तो सेम है, क्योंकि शरीर का भार क्या है बेटा, सेम है, आप ही हैं, पहले खड़े हैं और फिर क्या आप लेट गए हैं, पर लेटते समय क्षेत्रफल क्योंकि ज्यादा है, तो जब क्षेत्रफल ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल जब क्या हो जाएगा बेटा, ये चीज ज्यादा हो जाएगा, तो दाब क्या लगेगा, कम लगेगा, जब क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा तो आपका शरीर जो है ज्यादा नहीं धसेगा, ठीक है। पर जब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम, जब आपका पैर ही उसका क्षेत्रफल है नीचे का, तब आपका क्या हो जाएगा, बल तो वही है क्योंकि आपका भार तो वही है, पर दाब ऐसी स्थिति में क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है बेटा। तो दाब ज्यादा लगेगा तो ज्यादा पैर का हिस्सा क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्ररोध किसे कहते हैं, प्ररोध हमने बताया है बल को ही कहते हैं, लंबवत बल को ही क्या कहते हैं, प्ररोध कहते हैं। और दाब किसे कहते हैं बेटा, वही बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है।
देखिए पड़ोत हमने बताया है, पड़ोत तथा दाब में आपको डिफरेंस बता दिया बेटा। दाब बराबर होता है पड़ोत बटे क्षेत्रफल, ठीक है। अब जैसे कि बच्चा है बेटा, तो ये पिन से क्या कर रहा है, ये पेपर को लगा रहा है, बुलेटिन जो होता है ना जिस बोर्ड पे चिपकाया जाता है, तो उस पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, पिन की सहायता से इस पेपर को लगाने का प्रयत्न कर रहा है। तो देखिए जब ये पिन लगाता है तो अंगूठे से अपना इस पे दबाव डालता है, तो क्योंकि पिन का ये सिरा बहुत क्या है, क्षेत्रफल उसका क्या है, बहुत कम है। ये देखिए ध्यान से यहाँ पे बनाया हमने, इस सिरे का क्षेत्रफल क्या है बेटा, बहुत कम है। तो ये क्षेत्रफल जब कम है, क्षेत्रफल क्या है, जब कम है, तो कम क्षेत्रफल होने से क्या होता है बेटा, आपका दाब ज्यादा लगता है और वो अंदर घुस जाती है, ठीक है ना। अगर आप इस सिरे को चाहेंगे कि पेपर का ये सिरा अंदर घुस जाए बुलेटिन में, तो बहुत ज्यादा भी दाब लगाएंगे तो वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा बेटा इस सिरे से, क्योंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, बहुत ज्यादा है। क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा बेटा, दाब जो है क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तभी अंदर जा सकता है, ठीक है। यहाँ देखिए हम आपको इस चीज से समझाते हैं, दाब का मतलब ये दाब होता क्या है। जैसे कि ये एक बेटा देखिए लोहे का है बॉक्स, ठीक है, ये 20 मीटर, ये 10 मीटर, ये 40 मीटर लंबा है, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको क्या करके रखा है, एक पोजीशन इसकी खड़ी है और एक पोजीशन क्या है, बैठ के रखना, तो किसमें इसका दाब जो है ज्यादा होगा। तो अब आप देखिए बेटा इस पोजीशन में दाब क्या है, ज्यादा लगेगा। जैसे कि अगर ये आयरन का बॉक्स है 20 मीटर लंबा, अगर इसको लकड़ी के मेज पे रखेंगे या प्लास्टिक जो होता है, लचीली जो प्लास्टिक होती है, समझ रहे होंगे आप लोग, रबड़ का, तो आप देखिएगा ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, अंदर की ओर धस जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अंदर की ओर धस जाएगा। ऐसी स्थिति में जब ये कमजोर लकड़ी है या प्लास्टिक है लचीली वाली, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर की ओर धस जाएगा। ऐसी स्थिति में मतलब दाब ज्यादा लग रहा है, ठीक है ना। क्षेत्रफल कम होने से क्या होता है, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा लगेगा। जब हम इसको फिर इस स्थिति में क्या हो जाएगा, टूट भी सकता है अगर आप बहुत भारी होगा, और ये लकड़ी या जो ये प्लाई है या प्लास्टिक का जो है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका टूट भी सकता है, लोहे का है ये। पर अगर आप उसको क्या करिएगा, ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है ना, लेटा कर रख दीजिएगा, ऐसी स्थिति में इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, आप वुड पर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। तो जब क्षेत्रफल ज्यादा हो जाएगा, ये चीज ज्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्षेत्रफल ज्यादा होने से दाब कम लगेगा इस मेज पर, इस लकड़ी के मेज पर दाब कम लगेगा और ये स्ट्रेट ही रहेगी, एकदम सीधी ही रहेगी, ठीक है। देखिए अब हम इसको अलग से समझाते हैं। ये जो है आपका डब्बा, सपोज इसका जो है बल कितना है बेटा, 800 न्यूटन है। इसका बल क्या है, 800 न्यूटन। तो इस स्थिति में भी 800 न्यूटन बल है और इस स्थिति में भी 800 न्यूटन है, ठीक है ना, बल बल इसका 800 न्यूटन है। अब हमको देखना है दाब क्या है। तो फॉर वन, पहली स्थिति में दाब क्या हो जाएगा बेटा, बल बटे क्षेत्रफल। तो ये स्थिति जब है तो दाब बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। तो अब बल बताइए बेटा क्या होगा, तो बल तो तुम्हारा यही होगा बेटा 800 न्यूटन, क्योंकि बताया गया है, तो ये हो जाएगा 800, ठीक है ना बेटा। और ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब इस स्थिति में आप क्षेत्रफल देखिए बेटा, जब ये क्या है फर्स्ट कंडीशन, तो ये है फर्स्ट कंडीशन। तो इस स्थिति में यहाँ पर कितना है 20 और यहाँ क्या है 10, ये 20 × 10 है, ठीक है, 10, ठीक है। ये आपका आ जाएगा बेटा 800 अपॉन 200, 200 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आपने डिवाइड किया तो यह क्या आ गया आपका 4, ठीक है ना, यहाँ पर दाब आ गया 4। अब ये क्या था, बल का बेटा होता है न्यूटन और इसका होता है बेटा मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका दाब का क्या आ जाएगा बेटा, न्यूटन मीटर का, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा बेटा ये चीज, इसमें दाब कितना लग रहा है। अब इस स्थिति में जब हमने रखा है इसका, तब क्षेत्रफल दूसरा हो गया है बेटा, जो वुड को इसने टच किया है, तो वुड को जो टच किया इस आयरन बॉक्स ने, उसका क्षेत्रफल दूसरा हो गया है। अब आप इस स्थिति में देखिए बेटा क्या हो जाएगा, देखिए 800 तो ये रहेगा ही ऊपर बेटा, 800 न्यूटन, क्योंकि 800 न्यूटन इसका बल है, बल की वैल्यू रख ली। पर नीचे क्षेत्रफल देखिए बदल गया, 20 × 40। इस स्थिति में क्या हो गया बेटा, 20 × 40, यहाँ 20 है, यहाँ लिख दीजिए बेटा 20 और × 40, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा बताइए, 800 ये ऊपर आ गया आपका, 800 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, 4 × 8, 800,
ये न्यूटन और ये क्या है आपका मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया कट के कितना आ गया बेटा, ये 1, दोनों चीज कट जाएगा, तो ये आपका आ गया 1 न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें आसानी से देख सकते हैं कि ये जो है आपका स्टेज पहले वाले में क्या आया है बेटा, 4 न्यूटन। पहले वाले में क्या आ गया बेटा, यहाँ देखिए ये आया है आपका 4 न्यूटन मीटर का स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ क्या आ गया 1। इसका मतलब है कि दाब जो है किस स्थिति में ज्यादा आता है, दाब जो है वो किस स्थिति में ज्यादा आता है, जब क्षेत्रफल क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल कम था तो दाब ज्यादा लग गया और आसानी से चिप वो आ गई इसमें बेटा पिन, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम अभी आपको बताए थे ठोस में दाब, तो ठोस में दाब के लिए हम क्या लेते हैं बेटा, लंबवत बल लेते हैं। ठोस में क्या लेते हैं, लंबवत बल, क्योंकि आधार पर ही लगता है, क्या लगता है बेटा, आधार पर ही दबाव का देखा जाता है कितना लग रहा है। पर तरल जो होते हैं, तो तरल पहले बताइए किसे कहते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि तरल जो होती है वो द्रव भी होती है गैस भी होती है। द्रव किसे कहते हैं वो तो आपको बिल्कुल क्लियर है, जैसे पानी है, दूध है, तेल है, ये सभी चीज, शहद है, ये सब क्या है बेटा, द्रव है। और गैस किसे कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये सभी चीजें क्या है, गैस है। दोनों को मिलाकर तरल होते हैं, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखिए कि अगर कभी भी हम तरल बोलेंगे तो तरल का मतलब लोग केवल द्रव समझते हैं, केवल द्रव नहीं है, तरल का मतलब होता है द्रव भी और गैस भी। तो ये जो गैस होती है गुब्बारे में, जैसे आप हवा भरते हैं तो चारों तरफ दबाव लगता है, जैसे ये सपोज गुब्बारा है, इसमें जब आप हवा भरते हैं तो आप देखते हैं चारों तरफ से फूलता है, ऐसा नहीं है कि बस नीचे दबाव लगता है जैसे ठोस में लगता है और नीचे की ओर फूलता है और ऊपर नहीं फूलता है, तो वो यहाँ पर भी तो आप देखते हैं फूलता है ना। तो जो तरल है वो क्या करते हैं, चारों तरफ सतह पर दबाव लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आप एक बोतल में पानी भर देते हैं, देखिए सपोज ये बोतल, उसमें पानी भरते हैं तो नीचे के सिरे पर भी दबाव लग रहा है, इस सिरे पर भी क्या लग रहा है बेटा, दबाव लग रहा है, और उसके बाद इस सिरे पर भी, किनारे किनारे भी क्या लग रहा है, दबाव लग रहा है, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, ठीक है बेटा, सब तरफ लगेगा, तो चारों तरल पे लगेगा। जैसे कि सपोज ये है, तो ये है आपका, देखिए नीचे तरल पे दबाव लगेगा और इस तरफ भी दबाव लगेगा, इस तरफ भी दबाव लगेगा, आपको क्लियर कर दे इसलिए हम फिगर में बता रहे हैं, इधर भी दबाव लगेगा इसका, इधर भी दबाव लगेगा, ठीक है बेटा। तो ये जो तरल जो है वो क्या करते हैं, चारों तरफ दबाव लगाते हैं बेटा। तो अब ये है कि जो चारों तरफ दबाव लगाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के लिए हम आपको बता रहे हैं कि आप एक बोतल लीजिए, तो उस बोतल में क्या करिए, ऊर्ध्वाधर एक सिरे पर क्या कर दीजिए, 4-5 छेद कर दीजिए। आप घर में भी जैसे आपके पास होती है बिसलेरी की बोतल, तो उसमें आप क्या करिए बेटा, 2-2 इंच की दूरी पर क्या करिए, छेद करिए, 2-2 इंच की दूरी पर छेद कीजिए, यहाँ किया छेद, यहाँ पर छेद किया, यहाँ पर छेद किया, यहाँ पर छेद किया, यहाँ पर छेद किया, ठीक है ना। आप किसी भी चीज से छेद कर सकते हैं, सुई से छेद कर सकते हैं, कोई मोटी चीज से छेद कर दीजिए, जैसे कैंची का सिरा लीजिए उससे छेद कर दीजिए, तो आप क्या कर दीजिए बेटा, उसमें 2-2 इंच पर छेद कर दीजिए, फिर उसमें पानी भर दीजिए। तो आप देखेंगे जब पानी बहाव गिरेगा तो ऊपर वाले जो छेद से, देखिए यहाँ पर जो है ऊपर वाले छेद से कितना गिरा, यहाँ पर गिरा, यहाँ से जो गिरा पानी देखिए बेटा वो यहाँ पर फ्लो हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर फ्लो हुआ, फिर यहाँ वाले छेद से गिरा तो यहाँ पर गिरा बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो नीचे वाले जो सिरे है, नीचे वाले जो सिरे है उसका दबाव सबसे ज्यादा था और वो सबसे दूर गिरा। आप देखिएगा बोतल में छेद करके, जो बोतल का सबसे नीचे का सिरा होगा, बोतल का जो सबसे नीचे का सिरा होगा उसका पानी सबसे दूर गिरेगा। अगर इसके नीचे यहाँ पर भी हम सपोज छेद कर देते तो और दूर गिरता पानी, और सपोज यहाँ पर अगर हम एक छेद कर देते सबसे ऊपर पर, तो वो आप देखते हैं कि इसका पानी जो है वो सबसे पास गिरता, यहीं पर ही गिर जाता। समझ में आया आपको, इसका पानी जो है अगर हम ऊपर और छेद करते सबसे पास गिरता, मतलब ऊपर की ओर क्या है बेटा, दाब कम है और नीचे की ओर दाब ज्यादा है, यहाँ पर पहुंचे तो दाब ज्यादा था इसलिए उससे दूर गिरा, फिर यहाँ पर जब हम पहुंचे इससे और नीचे पहुंच गए तो पानी और दूर गिरा। क्यों दूर गिरा बेटा, क्योंकि पहले के बनिस्बत यहाँ पर दबाव ज्यादा है। तो तरल में दबाव कैसे ज्यादा लगता है बेटा, जैसे नीचे तक हम पहुंचते जाते हैं दबाव ज्यादा लगता जाता है। यहाँ पर देखिए बाड़े में चारों तरफ बेटा छेद कर दिया है, ठीक है, तो आप देखिएगा सब तरफ से पानी गिर रहा है, ठीक है। इसलिए ये दिखाता है कि तरल जो है पूरी सतह पर दबाव लगाते हैं, ठीक है। आप गुब्बारे के अंदर पानी भर के देखिए सब तरफ से वो गिरेगा, ठीक है।
ये देखिए बेटा, अभी हमने बताया कि ऊंचाई पर जाने के साथ साथ दाब क्या होता है, कम होता है, और नीचे जाने पर दाब बढ़ता है। ऊंचाई पर जाने पर दाब क्या होता है बेटा, हमेशा कम, और नीचे जाने पर दाब बढ़ता है। पर अगर हम समान ऊंचाई पर छेद कर दें, यहाँ पर बेटा समान ऊंचाई पर हम क्या कर दें, अगर छेद कर दें, देखिए एक ही ऊंचाई पर इन्होंने चारों दिशाओं में छेद किया, एक दो तीन पीछे भी है, तो ये जो चारों दिशाओं में जो हम छेद करते हैं तो हम देखते हैं एकदम समान ये दूरी क्या है, एकदम समान दूरी पर पानी गिरता है। ठीक है, समान दूरी पर पानी गिरने का ये है कि अगर हम समान ऊंचाई पर देखेंगे तो दबाव भी समान होता है, समान ऊंचाई पर तरल का दाब सेम होता है। चलिए अब हम आपको ये बताते हैं पढ़ के। सभी द्रव या गैस तरल है, ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाते हैं। हमने बताया ना कि वो जैसे पिंड था लोहे का तो वो सतह पर ही दाब लगाते हैं, इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है, तरल में भी भार होता है। तरल मतलब क्या, आपने आपको बताया सभी चीज है, गैस भी होती है, द्रव भी होती है, तो इसका भी भार होता है। और ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार पर, नीचे हमने बताया था ना, आधार पर और दीवारों पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं। ठीक है, अब आपको ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। ये देखिए उत्प्लावकता, ये उत्प्लावकता बेटा बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, मतलब आपने अभी जो है पढ़ा है, पर डेली लाइफ में हमेशा आपने इसका यूज तो देखा है, बहुत बचपन से ही छोटे बच्चे इसका यूज देख लेते हैं। ये आप लोग जो है क्लास जब फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, तो अपनी छोटी छोटी नाव डालते थे, तो आप देखते थे अरे ये तो तैर रहा है। आप छोटा सा एक लेते थे कंकड़, तो आप देखते थे पानी में फेंक देते थे, जब आप थे बेटा मतलब चौथे में थे पांचवे में थे, पानी भर जाता था घर के पास, तो आप तुरंत एक पत्थर उठाकर फेंक देते, फिर देखते थे अरे पत्थर तो नीचे चला गया। ठीक है, पर आप फिर नाव बना के फेंकते थे, वो ऊपर रहती थी। आप लकड़ी का गुटका फेंकते थे, वो ऊपर रहता था। आप एक फूल फेंकते थे, फूल ऊपर रहता था, पत्ती ऊपर रहती थी। पर आपने जब पत्थर जब जब फेंका तो वो पत्थर नीचे हो गया, जबकि आपने देखा उसी आकार का फूल, उससे बड़ा भी ले लीजिए और फेंकते थे तो फूल नीचे रहता था, पत्थर छोटा सा भी लेते थे तो क्या हो जाता था, वो नीचे हो जाता। ठीक है, अब ये है कि आप जो है इसको बस आप लोग ने इसका अनुभव किया है, फिर आप लोगों ने कभी कभी नहाया होगा, क्या किया होगा, जब आप समुद्र मतलब किसी भी तालाब में नहाए होंगे या किसी भी वाटर हाउस में जाते हैं, यहीं पर जाते हैं जैसे वाटर पार्क में, तो आपने कभी भी नहाया है तो आपने अनुभव किया होगा कि आपको क्या लगता है कि वहां पर आप बहुत ही हल्के महसूस कर रहे हैं, भार बहुत ही कम लगता है। ठीक है, तो ये सब आपने अनुभव किया है, पर आपको इसका पता नहीं है कि साइंस का किस चीज से हमको ऐसा महसूस हो रहा है। ये सब उत्प्लावकता से हो रहा है कि आपको जो है हल्का शरीर महसूस होता है। फिर हम इसका एक दूसरा उदाहरण भी देते हैं, जैसे बाल्टी है बेटा, तो बाल्टी से जब हम लोग कुएं से पानी निकालते हैं तो जब तक बाल्टी नीचे रहती है पानी के अंदर रहती है, तब तक आप उसको पानी से निकालते रहिएगा तो आपको बहुत हल्की लगेगी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, पर जैसे ही वो पानी खत्म हो जाएगा कुएं का, वो ऊपर हवा की तरफ आ जाएगी और आप निकालेंगे बाल्टी को, तब वो बहुत भारी लगेगी। मतलब पानी नीचे से भी क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, ऊपर की तरफ वस्तु को क्या कर रहा है, फेंक रहा है। इसी को हम उत्प्लावकता कहते हैं। जब हम तैरते हैं, जब हम जाते हैं तालाब में, तो हमारा वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है बेटा, अगर हम 60 किलो के हैं तो हमको वहां 40 किलो के लगते हैं, तो हमको वेट क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो ये कम क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर है वो भी ऊपर की ओर क्या लगा रहा है, एक दबाव लगा रहा है। तो पानी का ऊपर की ओर दबाव लगाना क्या कहलाता है, उत्प्लावकता कहलाता है। ठीक है ना, तो पानी सभी वस्तु पर क्या करते हैं, ऊपर की ओर बल लगाती है, ऊपर फेंकती है, पर कुछ वस्तु नीचे चली जाती है। इसलिए चली जाती है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। वो कंकड़ का घनत्व क्या था बेटा, पानी से ज्यादा अंदर घुस गया। वो फूल का घनत्व क्या था बेटा, पानी से कम था इसलिए ऊपर रहा। उत्प्लावकता तो दोनों पर ही लगा, फूल पर भी लगा और किस पर लगा बेटा, कंकड़ पर भी लगा। पर कंकड़ क्यों नीचे चला गया बेटा, वो कंकड़ इसलिए नीचे चला गया क्योंकि वो कंकड़ क्या था बेटा, घनत्व ज्यादा था पानी से। ऐसे ही सभी लोग तैरते हैं बेटा तो आराम से तैर लेते हैं, पर बहुत मोटे व्यक्ति को बहुत ही हैवी होता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर 110 किलो का कोई व्यक्ति है और वो तैरने की कोशिश करता है, और एक वही व्यक्ति जो है बेटा उसका वेट कम है, 45 केजी है, एक ही पानी में आप तैर रहे हैं, तो आप देखेंगे उसको बहुत हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जिसका वेट कम है वो आसानी से कर लेता है, तैर लेता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि पानी जो है बेटा उत्प्लावकता के नियम के अनुसार क्या करती है, घनत्व के हिसाब से बेटा क्या लगाती है, उत्प्लावकता का नियम लगता है बेटा। अब हम ये उत्प्लावकता आपको अच्छे से समझाते हैं बेटा।
आपने पानी की तो कभी कुएं से खींचा नहीं होगा, तो आपको उसका भी अनुभव नहीं होगा। कई बच्चों को हो सकता है नहाए भी ना हो कभी, जैसे वाटर पार्क में या किसी तालाब में, तो उन्होंने अपने शरीर का अनुभव नहीं किया होगा। पर चलिए हम आपको उपलब्धता का एक और बता रहे हैं कि पानी नीचे से ऊपर की ओर एक बल लगाता है। ये आप घर पे भी कर सकते हैं प्रयोग, और बिल्कुल करिएगा। जैसे आपके पास थम्सअप की बोतल तो होती है, या बिस्लरी की बोतल होती है, सबके घर में आजकल थम्सअप की बोतल, पेप्सी की बोतल, आप लोग तो कितना कोल्ड ड्रिंक पीते हैं पता ही है। आप लोग को शरबत पसंद है नहीं है, बस कोल्ड ड्रिंक पीते जा रहे हैं, तो बहुत सारी ढेर हो गई आपके घर में। आप एक बोतल उठा लीजिएगा, ठीक है, थम्सअप की या कोई भी पेप्सी की, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल उठा लीजिएगा, 2 लीटर की बोतल लीजिए बेटा। वो बोतल खाली है तो उसमें क्या कर दीजिए बेटा, डॉट लगा दीजिए। देखिए डॉट लगाया है, ठीक है, तो आप बोतल पे क्या लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए। ये प्लास्टिक की बोतल है, ठीक है, इस प्लास्टिक की बोतल पे आपने डॉट लगा दिया, यानी कि ये खाली है, और उसको बंद कर दिया जिससे पानी ना भर सके बस। अब इस प्लास्टिक की बोतल ये प्रयोग जरूर करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि पानी में हर वस्तु हल्की हो जाती है। जिसे आप उत्प्लावकता कहते हैं कि पानी में हर चीज हल्की हो जाती है, इसके लिए आपको ये प्रयोग करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। अगर आपने पानी नहीं निकाला कुएं से या कोई भी अनुभव नहीं किया, तो ऐसा करिए बेटा, इसको भर लीजिए। उसके बाद घर के बहुत भारी, जैसे बड़ी बाल्टी ले लीजिए, बहुत बड़ा सा टब ले लीजिए जिसमें कपड़ा धोता है, बहुत ही गहरा सा ले लीजिए, उसमें फिर इसको बेटा 2 लीटर की बोतल को हाथ से पकड़कर नीचे की ओर ढकेलिएगा। बोतल को पकड़कर यहाँ से बेटा, बोतल को टाइट अपने हाथों से पकड़ लीजिएगा बेटा, ठीक है ना, अपने हाथों से इसको पकड़ लीजिएगा बेटा, और इसको क्या करिएगा बेटा, नीचे की ओर ढकेलिएगा। जब इस बोतल को आप नीचे की ओर ढकेलेंगे, तो आपको दिखाई देगा कि इतना ज्यादा पानी फोर्स लगा रहा है, और वो बोतल बार बार ऊपर आ जाएगी। जैसे आप थोड़ा सा हाथ हल्का करिएगा, दाब कम लगाएगा, तुरंत बोतल ऊपर आ जाएगी। फिर आप खूब दाब लगाकर इसको पकड़िए, और फिर से बहुत नीचे करिए। जितना ज्यादा आप इसको देखिए, यहाँ से जितना ज्यादा इसको नीचे 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 करते जाएंगे, उतना ज्यादा आपको लगेगा कि पानी जो है धक्का दे रही है आपके हाथ को, बहुत तेजी से धक्का दे रही है, और ऊपर की ओर एक बल लग रहा है। तब आपको पता चलेगा कि हर तरल पदार्थ ऊपर की ओर एक बल लगाता है, फेंकता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, उत्प्लावकता कहते हैं, ठीक है बेटा। देखिए हम आपको ये पढ़ के सुना रहे हैं बेटा। प्लास्टिक की एक खाली बोतल लीजिए, बोतल के मुंह में एक वायुरुद्ध डार्ट से बंद कर दीजिए, ठीक है। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रखिए, और पानी से भरी बाल्टी में इसको डाल दिया है। आप देखेंगे कि बोतल तैरती है, बोतल तो तैरती रहती है, आपने देखा ही होगा बेटा। बोतल को पानी के अंदर ढकेलिए, आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करेंगे। जब बोतल को आप देखेंगे तो क्या होगा बेटा, एक धक्का महसूस करेंगे नीचे करने पर, ठीक है, ढकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। जितना नीचे आप गहराई में जाएंगे, आपको बहुत कठिनाई लगेगी, ठीक है। यह दिखाता है कि पानी, देखिए यहाँ पर यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। इसका मतलब है कि ये वाटर भी क्या लगा रहा है, ऊपर की दिशा में एक बल लगा रहा है आपके हाथ पर, ठीक है ना। जैसे ही ऐसी बोतल को पानी में ढकेलते जाते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है। जैसे जैसे इसको नीचे लाते हैं, उतना ही देखिएगा ज्यादा धक्का देगा। अगर आप यहाँ तक ही पहुंचे हैं बोतल को लेकर, केवल आप इस बोतल को लेकर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कम धक्का लगेगा, पर जब इस बोतल को लेकर यहाँ तक पहुंचेंगे तो बहुत ज्यादा धक्का लगेगा, ठीक है ना। अब बोतल को छोड़ दीजिए, आप जैसे ही नीचे जाके भी बोतल को छोड़ देंगे, तो क्या नीचे रहेगी, आप बहुत नीचे ले जाइए बोतल को, प्रेशर लगा के सबसे नीचे उसके तली पे छोड़ दीजिए, फिर आप देखिए कि तुरंत वो उछल के ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। तो बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर जो लगने वाला बल है बेटा, इसे ही क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है, उत्प्लावन बल कहलाता है। वास्तव में किसी तरल में डुबाने पर वस्तु के उत्प्लावन बल लगता है, उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, और उत्प्लावन बल अलग अलग लगता है। आप देखिएगा इसको मिल्क में डुबाकर, ठीक है ना, दूध में डुबाकर देखिएगा तो अलग होगा, वो हल्का होगा, आपको उतना ज्यादा बल नहीं लगेगा, पानी में बहुत धक्का देना पड़ेगा। ग्लिसरीन ले लीजिए, यहाँ पर पूरा ग्लिसरीन भर दीजिए, ग्लिसरीन तो आप लोगों ने देखा है बेटा, या शहद देखा है, शहद में भर दीजिए इसको, बोतल को डालिए, तो आप थोड़ा दूर भी नीचे धक्का नहीं दे सकते हैं, थोड़ा सा ही डालेंगे तो आपके हाथ पे इतना प्रेशर पड़ेगा, आपका हाथ दर्द हो जाएगा, पर आप थोड़ी देर भी उसको पकड़ के नहीं रख सकते। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि हर तरल का घनत्व अलग अलग होता है, उसी हिसाब से प्रावण बल भी अलग अलग होता है। मिट्टी के तेल में आप ज्यादा देर तक आप बोतल को नीचे रख सकते हैं, अगर ये मिट्टी का तेल है सपोज, ये यहाँ पर बेटा पानी की जगह, तो आप ज्यादा देर तक क्या करेंगे, उसको नीचे रख सकते हैं, वो क्या है, घनत्व कम है, पर पानी में उसके कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा घनत्व है। वैसे ही अगर हम ले लेंगे शहद, तो क्या हो जाएगा बेटा, घनत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आप बहुत ही कम टाइम पर उसको नीचे धक्का दे सकते हैं बेटा।
पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती हैं या डूबती हैं। तो ये आपको बताना है कि कौन, आपने देखा होगा, अभी हमने आपको पहले इसका उदाहरण दिया था, उपप्लावकता में ही बता दिया। क्या बताया था बेटा? कि कुछ वस्तुएं डूब जाती हैं और कुछ वस्तुएं क्या होता है, तैरती रहती हैं। उत्प्लावन बल तो सभी वस्तुओं पे लगता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप लोग क्या करते थे, जब बाहर खड़े होते थे और पूरे मैदान में पानी भरा होता था, तो आप उसमें जब फूल फेंकते थे तो वो क्या होता था, ऊपर ही तैरता रहता था। आप एक लकड़ी का गुटका फेंकते थे तो वो ऊपर ही रहता था। जब वो कितना बड़ा लकड़ी का गुटका था, ईंटे के साइज का आप फेंकिए, इतना बड़ा ईंटा होता है, उतना बड़ा लकड़ी का गुटका फेंक दीजिए तब भी वो ऊपर रहेगा। पर आप एक छोटी सी कील फेंकते थे, वो कील तो बहुत ही हल्की है, पर वो नीचे हो जाती थी, नीचे फेंक जाती थी। हमने बताया था आपको कि कंकड़ फेंकी तो कंकड़ क्या होता था बेटा, नीचे घुस जाता था। पर आपका लकड़ी का गुटका, कागज का डाउन ऊपर रहती थी, क्योंकि इसका क्या था बेटा, ये घनत्व पर निर्भर करता है। क्या होता है उत्प्लावन बल? घनत्व पर निर्भर करता है। तो कौन सी वस्तुएं डूबती है? तो वो वस्तुएं डूबती है जिसका घनत्व पानी से क्या है, ज्यादा है, तो वो डूब जाती है। और जिसका घनत्व कम है पानी से, वो ऊपर रहती है। मतलब लकड़ी का घनत्व, यहाँ पर देखिए लकड़ी का घनत्व, अगर लकड़ी फेंका और कील फेंका, तो लकड़ी का घनत्व क्या है बेटा, इसका मतलब है पानी से हल्का है, लकड़ी क्या है, हल्की है, ठीक है। और कील क्या है बेटा, लोहे की कील क्या है, पानी से भारी है, इसलिए वो नीचे आ जाती है। भारी होना मतलब घनत्व, ठीक है। यहाँ देखिए बताते हैं, अब आपको क्लियर हो गया कौन सी वस्तु है मतलब पानी में तैर सकती है। वो सभी वस्तुएं पानी में तैर सकती है, जैसे प्लास्टिक की बोतल तैर रही थी। क्यों तैर रही थी? क्योंकि वो प्लास्टिक का क्या है, घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसीलिए वो तैर रही थी। वहीं पर आप एक कुकर ले लीजिए, बंद कर लीजिए, उसके अंदर भी हवा ही है, कुकर ले लीजिए उतना ही बड़ा छोटा सा, और उसके बाद कुकर को बंद कर दीजिए और डाल दीजिए पानी, वो नीचे बैठ जाएगा। तो क्यों नीचे बैठ जाएगा? क्योंकि वो कुकर जिस मटेरियल से बना है बेटा, वो है लोहा। तो लोहा क्या है बेटा, वो बहुत भारी है, तो नीचे बैठ जाएगा, उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है, ठीक है। और वही आप प्लास्टिक का एक कुकर ले लीजिए और प्लास्टिक के कुकर को रख दीजिए पानी पर, तो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। वही आए जैसे कि द्रव्यमान का दो चीज ले लीजिए, जैसे आपने हमें बताया ना कि अभी हम क्या ले लेंगे, बंद करके एक कुकर ले लेते हैं, ठीक है। अब ड्राइंग नहीं देखिएगा आप लोग मेरी, ठीक है, ड्राइंग बना रहे हैं पर उसको आप देखिएगा नहीं, बस समझ लीजिए कि क्या हम बना रहे हैं, ठीक है। ये हमने बनाया है क्या, प्रेशर कुकर बनाया, बहुत सुंदर बनाया है बेटा। ये जो प्रेशर कुकर बनाया है बेटा, तो अगर ये लोहे का है और आप इसको पानी में डालिएगा, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर आप रखिएगा तो छोटा ही सा कुकर लीजिए तो वो अंदर घुस जाएगा, और वैसे फिर आप प्लास्टिक का प्रेशर कुकर डालिएगा इस पानी के ऊपर तो ऊपर रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक का घनत्व पानी के घनत्व से कम है और लोहे का घनत्व क्या है बेटा, पानी के घनत्व से ज्यादा है, इसलिए लोहे का कुकर नीचे घुस जाएगा और ये प्लास्टिक का जो बना हुआ कुकर है वो क्या हो जाएगा, ऊपर रहेगा, ठीक है बेटा। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, घर के छोटे छोटे कटोरे जो होते हैं प्लास्टिक के, उसको देखकर कर सकते हैं कि वो तैरते रहेंगे। आप घर में प्लास्टिक का कटोरा लीजिए, वो तो आज सबके घर में होता है बेटा, तो प्लास्टिक का कटोरा रखिए वो ऊपर रहेगा। फिर आप तुरंत एक लीजिए स्टील का कटोरा लीजिए, वो तुरंत नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टील का घनत्व क्या है, ज्यादा है। अब आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं कि ये वस्तु पानी से हल्की है कि भारी, उसको रख दीजिए पानी के ऊपर, अगर वो नीचे घिस जा रही है तो इसका मतलब है उसका घनत्व क्या है, ज्यादा, और अगर वो ऊपर तैरती रहती है तो इसका मतलब क्या है, वो पानी से हल्की, ठीक है ना। आप कटोरी का प्रयोग बिल्कुल कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी वस्तुएं तैरती है, जो वस्तु पानी से हल्की है वो तैरती है और जो वस्तु पानी से भारी है वो डूब जाती है। देखिए हम बता रहे हैं, कील डूब जाती है, कील पर लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे नीचे की ओर खींचता है, पानी कील पर उत्प्लावन बल लगाता है जो इसे ऊपर की दिशा में लगाता है। अब आपको ये चीज तो पता है ना बेटा, यहाँ दो बल लग रहे हैं, एक गुरुत्वाकर्षण बल एक उत्प्लावन बल, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल जैसे कील डाला गया तो ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, नीचे लग रहा है, ठीक है ना, और ये उत्प्लावन बल क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है, ठीक है ना। उत्प्लावन बल क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो जब भी कोई वस्तु हमने बताया कि डाली जाती है तो क्या लगता है वस्तु पर बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है, खींच रहा है, और ये उत्प्लावन बल क्या होता है, ऊपर लगता है, ठीक है। तो जब उत्प्लावन बल का मान क्या होता है, ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण से, तो क्या होता है, वस्तु क्या रहती है, ऊपर रहती है। पर जब उत्प्लावन बल का मान क्या होता है, कम होता है, उत्प्लावन बल कम होता है और गुरुत्वाकर्षण नीचे होता है, ज्यादा होता है, तो क्या होता है, वस्तु नीचे गिर जाती है, ठीक है।
यहाँ पर बताया था उत्प्लावन बल से अधिक होता है। जैसे आप बताइए कील पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है कि कील पर उत्प्लावन बल ज्यादा है? कील पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है तभी नीचे गिर गई है, ठीक है ना। और इस लकड़ी के गुटके के पर क्या ज्यादा है बेटा? उत्प्लावन बल ज्यादा, ऊपर की ओर ज्यादा है वो। तो इसमें क्या है, उत्प्लावन बल ज्यादा है इसका और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, कम है, इसीलिए ये ऊपर है। तो हर एक वस्तु जैसे प्लास्टिक का जो कटोरा है ऊपर रहेगा, इसका मतलब है कि उस पर उत्प्लावन बल ज्यादा लग रहा है गुरुत्वाकर्षण बल से। और अगर आपका लोहे का कटोरा है या स्टील का कटोरा है तो वो नीचे हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है उत्प्लावन बल से, ठीक है। बोतल पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है, ठीक है। वास्तव में किसी तरल पर डुबाने पर सभी वस्तुओं पर एक उत्प्लावन बल लगता है। उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है बेटा। कार तैरता रहता है जबकि कील डूब जाती है, ऐसा इनके घनत्वों के अंतर के कारण होता है। हमने आपको बताया कि घनत्व दोनों का अलग अलग है, इसीलिए होता है। हमने इसने आपको प्रेशर कुकर का उदाहरण दिया कि आप एक प्रेशर कुकर लीजिए, एक लोहे का लीजिए, एक प्लास्टिक का लीजिए। तो लोहे का जो प्रेशर कुकर होगा वो नीचे चला जाएगा पानी के अंदर, ठीक है, टब में रखिए, और तुरंत आप प्लास्टिक का रखिए ऊपर रहेगा। आप कटोरा लीजिए प्लास्टिक का तो ऊपर तैरता रहेगा, लोहे का लीजिए तो नीचे चला जाएगा। तो ये क्या होता है बेटा, किसी पदार्थ का घनत्व किसे कहते हैं? सबसे पहले हमने बताया कि घनत्व के ऊपर निर्भर करता है, अब बताइए घनत्व किसे कहते हैं बेटा? तो किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं, ठीक है ना। एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं बेटा? घनत्व कहते हैं। कार का घनत्व पानी के घनत्व से क्या है? कम है। कार का घनत्व क्या है? कम है। और इसका घनत्व क्या है? ज्यादा है। मतलब अगर एक ही लंबाई एक ही चौड़ाई, देखिए बना देते हैं आपके लिए, जैसे कि ये तुम्हारा, ये आपका क्या है बेटा? लकड़ी का है। ये किसका है बेटा? ये वुड का है। और फिर क्या है बेटा, यहाँ पर हम आपको बना देते हैं दूसरा है बेटा, ये आपका किसका है बेटा? ये आपका किसका है? आयरन का है। तो घनत्व किसे कहते हैं ये पढ़ाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए आई बना दिए, तो अब बताइए बेटा घनत्व किसे कहते हैं? यहाँ जो लिखा था एकांक आयतन के द्रव्यमान, तो एकांक आयतन जब आपने लिया, मतलब आयतन मतलब लंबाई भी वन, चौड़ाई भी वन, ऊंचाई भी वन। जैसे हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, अब देखिए यहाँ देखिए ये वन है, ये भी वन है और ये भी वन है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब चीज क्या कर लिया हमने? वन वन कर लिया बेटा। ये भी वन है, ये भी वन, ये भी वन, ठीक है ना। तो इस आयरन का भी क्या किया बेटा? एक है, ये भी एक है, ये भी एक। अब आप कह रहे हैं एक क्या है? तो एक आपका कुछ भी हो सकता है। एकांक लिखा है, ये एकांक लिखा हुआ है। एकांक मतलब क्या है बेटा? कुछ भी हो सकता है। एक मीटर, तो ये भी एक मीटर, ये भी एक मीटर और ये भी एक मीटर, ठीक है बेटा। अगर सेंटीमीटर लिया है तो एक सेंटीमीटर का इधर भी लंबाई है, एक सेंटीमीटर इधर भी, एक सेंटीमीटर इधर भी, ठीक है। सपोज जैसे कि आप जो है पासा आपने देखा है ना, लूडो का पासा, तो उसका क्या होता है बेटा? जैसे एक सेंटीमीटर नीचे भी होता है, एक सेंटीमीटर इधर भी, एक सेंटीमीटर ऊपर भी। तो एकांक उसका क्या हो गया? आयतन एकांक सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वो प्लास्टिक का है, ऐसे ही आप एक प्लास्टिक का ले लीजिए, एक आयरन का ले लीजिए। तो अगर दोनों ही एक आयरन का भी है बेटा, एक इसका क्या है बेटा? एक एक सब चीज है इसका, मतलब एक अगर सेंटीमीटर का आयरन लेते हैं, एक सेंटीमीटर का गुटका ले लेते हैं आयरन का बेटा, तो उसका भी क्या हो जाएगा बेटा? आयतन क्या हो जाएगा? एक सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका भी एक सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, इसका भी एक सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, दोनों का आयतन क्या है? एक सेंटीमीटर क्यूब ही है। पर आप देखेंगे कि ये भारी होगा, लोहे का क्या हो जाएगा? भारी होगा, जबकि लकड़ी बहुत हल्का होगा। तो इसी का मतलब है कि ये घनत्व कि इसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब आयरन का घनत्व ज्यादा है। अब ये देखिए लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है, इसका अर्थ है कि लोहे की कील पर पानी का उत्प्लावन बल लोहे की कील के भार से कम है, इसीलिए डूब जाती है। इस प्रकार द्रव के घनत्व से कम घनत्व की वस्तुएं द्रव पर तैरती हैं, द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की वस्तुएं द्रव में डूब जाती है। अब आप अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए बेटा कि कौन कौन सी वस्तु क्या है तैर सकती है। द्रव पर वो सभी वस्तुएं तैर सकती है जिसका घनत्व द्रव से कम है, जिस जिसका घनत्व द्रव से कम है। कौन कौन सी वस्तु तैरेंगी? लकड़ी तैरेंगी, प्लास्टिक तैरेंगी, कागज तैरेंगी, ठीक है। जितनी वस्तुएं जो है द्रव पर तैर रही है उसका क्या है? घनत्व जरूर द्रव से कम है। तो अगर आपको पता भी करना है कि इसका घनत्व द्रव से ज्यादा है कि नहीं, तो आप उसके ऊपर रख दीजिए। अगर वो नीचे डूब जाती है तो इसका मतलब उसका घनत्व क्या है बेटा? ज्यादा है। तो द्रव पर वो सभी वस्तुएं डूब जाएंगी जिसका घनत्व द्रव के घनत्व से ज्यादा है, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया होगा? ओके बेटा,
खूब अच्छे से पढ़िए बेटा। और आप लोग मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और मेरी सारी वीडियोस देखिए। और इसमें हमने हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही वीडियोस बनाई हुई है। 7th 8th 9th 10th सभी के लिए, मैथ्स और साइंस के लिए हमने वीडियो डाली है। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके बेटा, बाय बेटा।